जहाँ भेजना चाहेंगे उचित माध्यम से वो चला। बहुत बहुत हमारा ज्ञापन सरकार तक पहुँच गया है। नहीं आ रहे क्या? यहाँ आ जाएंगे। नारा लगाई रिसीविंग नहीं होगी, रिसीविंग नहीं होगी। क्या चाहिए? फोन नंबर वगैरह है? जी सर, जी सर। नारा तो लगाइए। सभासद एकता जिंदाबाद। सभासदों के लिए क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना है सरकार से? हम आज उत्तर प्रदेश, मेरा नाम नीरज कुमार है। आज दारुल सफा विधायक निवास के ब्लॉक का मधान में नगर पंचायत नगर पालिका सदस्यों के वित्तीय प्रशासनिक वेतन होता वार्ड के तौर पर विकास का कार्य करवाने के लिए बैठक किया। बैठक के बाद बीजेपी कार्यालय पर माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित मंत्रीगण या उनके प्रतिनिधिगण को हम ज्ञापन दिए। आज लगभग 30 जिले की नगर पंचायत सदस्यों को बुलाया हूँ और 200 नगर पंचायत सदस्यों को का आमंत्रण हुआ है। लगभग सैकड़ों के ऊपर यानी 200-300 सांसद की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हमारी मांग ये है कि नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्यों को प्रशासनिक अधिकार वार्ड के तौर पर विकास का कार्य करवाने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरीके से माननीय विधायक और माननीय सांसद का रोल है, उसी तरीके से हमारे सदस्यों को होना चाहिए। विधायक सांसद को पहुँचने को लाभ होने के लिए आवेदन करता है, लेकिन हमारे छोटे सदस्यों को यानी नगर पंचायत नगर पालिका इस तरीके से कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जनता के बीच में कोई भी विकास का कार्य करते हैं, जनता के हित में कोई भी कार्य करवा सकते। इसी संबंध में आज अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अभी बीजेपी कार्यालय पर ज्ञापन देने जाएंगे। आप लोगों से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? यदि आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो आगे के सभासद क्या रणनीति बनाएं? अभी आज हम पहली मीटिंग में 200 नगर पंचायत सदस्यों को आमंत्रण दिए हैं। लगभग 400 नगर पंचायत 192 नगर पालिका के सदस्य हैं, तो आज 200 नगर पंचायत सदस्यों को बुलाए हैं। अगले कार्यक्रम में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभासदों को नगर पालिका नगर पंचायत सदस्यों को आमंत्रण देंगे। अगर इस मांग पत्र पर ज्ञापन देने के बाद नहीं विचार करते हैं तो अगला कार्यक्रम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्य आएंगे। बैठक मीटिंग करने के बाद उनको सम्मान सम्मानित हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए सब लोग बैठकर विचार करेंगे। यदि उचित जो कदम होगा उसी तरीके से काम करेंगे। रेल लोग लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि होने के बाद जनता के हित में किसी तरीके से कोई भी विकास का कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जनता के हित में लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे। डीपी इंसान है, मैं भी पहले कोई जाति की टाइपी लगाता था, लेकिन छेना फेना और दोना का सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, जिसके कारण दोना वाले सब तड़प रहे हैं। ये सब दोना वाले ही है बैठे हुए। छेना वाले हम उनको मानते हैं जो विदेशों में काला धन जमा करने की स्थिति में आए हैं। अब फेना